दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स दो बेसिक थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें से एक है वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझा रखा है। दूसरा है सेज मार्केट लॉ। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, इसके बारे में से का क्या नियम है, से का मार्केट लॉ क्या कहता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेसर जे बी से ने एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को ही हम सेज मार्केट लॉ के नाम से जानते हैं। वो मार्केट लॉ बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि सप्लाई खुद अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है। तो इस वाले पूरे के पूरे चीज़ों को हमें समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि सप्लाई अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है, इसकी वजह से हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, और क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं इसलिए हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, किसी भी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता भी है तो ये टेम्परेरी है, कुछ समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना था जे बी से का। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक अलग से एक पेज ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि से का मार्केट लॉ हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए कि 100 रुपीज की गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि प्रोडक्शन जो हुआ है वो 100 रुपीज का हुआ है, ये मनी टर्म में हम बोल रहे हैं। तो जैसे ही 100 रुपीज का प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो जो इनकम है वो भी 100 रुपीज की होगी। देखिए, तो जहां पे इनकम जो होगी वो भी रुपीज 100 की होगी। यानी कि जैसे मान लीजिए जो हमारे फैक्टर हैं, जैसे लैंड है, तो लैंड के बदले लेबर को रेंट मिलेगा, रेंट के अलावा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट के अलावा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के अलावा हम कह सकते हैं कैसे वेज है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी जाएंगी, यानी कि अगर एक फर्म प्रोडक्शन करती है तो डेफिनेटली जितने रुपए का प्रोडक्शन होगा उतने रुपए की डिमांड होगी, ऐसा मानना था प्रोफेसर जे बी से का। इसके अलावा हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई वो भी तो 100 की हुई है, यानी कि इतने रुपए का प्रोडक्शन हो गया तो इतने रुपए की सप्लाई हो गई। अब ये 100 रुपीज की जो डिमांड क्रिएट होगी, यानी कि यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि या तो इकोनॉमी में कंजम्पशन किया जाएगा या सेविंग किया जाएगा, और सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, क्लासिकल मॉडल ये मान के चलता है। इसका मतलब किसी भी तरीके से हमारा सामान बिकेगा बचेगा नहीं, सारा का सारा सामान खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिमांड आएगी वो भी 100 की ही आएगी। अब मान लीजिए कि प्रोडक्शन हम बढ़ाकर 200 कर देते, ये हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो डेफिनेटली इनकम बढ़ के भी 200 हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी 200 से तो डेफिनेटली लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो डिमांड भी 200 की हो जाएगी और सप्लाई भी 200 की हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप प्रोडक्शन करते हो, मार्केट में अपना सामान लेकर आते हो, तो उस सामान के बदले आप लोगों को पैसा दोगे और वही पैसे से लोग आपका सामान खरीदेंगे। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी रिसेशन जैसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, कभी भी ओवर प्रोडक्शन जैसी समस्या आएगी ही नहीं, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हमेशा बराबर होगी, ऐसा मानना था प्रोफेसर जे बी से का। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको बारे में आपको कुछ अपने व्यू भी बताए हुए हैं कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये हम बता चुके हैं कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, ओवर सप्लाई नहीं होगी, कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है। एक बार आप अजम्पशन भी देख लीजिए, एक तो परफेक्ट कंपटीशन है इकोनॉमी में, इसके अलावा प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अलावा मनी जो है वो केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, किसी भी तरीके से पैसे को बचत नहीं की जाती, सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है, और लॉन्ग पीरियड अप्रोच है। तो अप्रोच के बारे में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि 100 रुपीज की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई होगी 100 रुपीज की, और 100 रुपीज की इनकम जनरेट होगी, और 100 रुपीज की डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बराबर हैं, इसीलिए ओवर एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं होगी, अंडर प्रोडक्शन की समस्या पैदा नहीं होगी, इसीलिए हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में काम करती रहेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर बराबर होते हैं। यानी कि व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल इज प्रोडक्ट,
जब एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, ही गेट हिज इनकम इन टर्म ऑफ मनी, तो उसको पैसा मिलता है मनी के टर्म में, ठीक है। ही विल स्पेंड हिज मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ डिमांड सो क्रिएट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड, यानी कि उतनी ही डिमांड क्रिएट होगी जितनी सप्लाई क्रिएट हुई है। तो इस तरीके से बच्चों से का मार्केट लॉ है। बेसिकली से का मार्केट लॉ कहता है कि अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सामान बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? क्योंकि जितने रुपए का आप प्रोडक्शन करोगे उतने रुपए की आप फैक्टर सप्लाई करोगे, और फैक्टर सप्लाई से इनकम क्रिएट होगी, और इनकम से डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड आपका सामान बिक जाएगा। तो यही बच्चों पूरी की पूरी थ्योरी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों अगर आप वीडियो की मैं दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्टर्ड होना है, उसके बाद आपको थ्री डॉट दिख रही होंगी, इनको जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं।